देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। हंसा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं और एक बड़ा अहम सवाल है और बड़ा गंभीर ये मसला भी है, क्योंकि आज ये कोरोना का संकट काल चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है और लगातार ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कोई भी इंसान उन सूचनाओं को, उन खबरों को देखकर अवसाद से भर सकता है, नेगेटिविटी से भर सकता है। तो इससे बाहर आने के लिए क्या योग में भी कुछ मुद्राएं, कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जिससे आपको मदद मिल सकती है? लगता है कि हंसा जी के पास आवाज नहीं जा रही है, लेकिन प्रतिष्ठा जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि आप भी जानते हैं कि काफी नेगेटिविटी आजकल, तो कैसे से बाहर आ सकते हैं, योग में क्या कहा गया है? देखिए, मैंने जैसा आरंभ में ही कहा कि अवसाद, डिप्रेशन से बाहर आने का अगर कोई सरलतम माध्यम है तो वो योग ही है। और उसका जीवंत उदाहरण हमें अर्जुन का मिलता है। इतना बड़ा योद्धा जो शस्त्र त्याग देता है रणभूमि के मैदान में, उसे श्री कृष्ण गीता का उपदेश देकर के, जो सबसे बड़ा योग का उपदेश है, बाहर निकालते हैं। यहाँ पर दो तीन चीजें, क्योंकि डिप्रेशन हम अक्सर शारीरिक समस्याओं को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज ने मानसिक समस्याओं को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो ये समस्या, अच्छा ये पागल है, ये इसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। मेंटल एलिमेंट इज जस्ट सिमिलर टू फिजिकल एलिमेंट विच नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, दैट्स इट। और योग के माध्यम से हम उसे बहुत सुगमता से कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन हमें डिप्रेशन से बाहर निकालता है। यहाँ पर हम निश्चित रूप से आपको, आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं सब तक कि मेडिटेशन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए योग में वर्जित होता है, क्योंकि जब आप उस ब्लैंक स्टेट में होते हैं तो आपका मन और नेगेटिविटी की तरफ जाता है। उससे की जगह जो दो तीन चीजें योग में बताई गई अवसाद के लिए, डिप्रेशन के लिए, उसमें सबसे पहली चीज है सेल्फ टॉक थेरेपी। सेल्फ टॉक थेरेपी, जिसको हम ऑटो सजेशंस भी कहते हैं, यानी हम, आपने सुना होगा कि अक्सर सब कहते हैं डिप्रेशन है तो बात करो, लोगों से बात करो। हम सुसाइड केसेस भी अपने आसपास देखते हैं, कहते हैं लोगों से बात करो। योग में हम कहते हैं अपने आप से बात करो, और जब अपने आप से बात करो तो पॉजिटिव बात करो। हम सब अपने आप से बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव होती है, हम, और वो अननोइंगली होती है। हमें नोइंगली खुद से बात करनी है। यदि आप दिन का आरंभ इस 2 मिनट की सेल्फ टॉक थेरेपी से करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आज जब सुबह उठते हैं, पहला नियम ये बनाइए कि सुबह उठने के 1 घंटे तक आप मोबाइल और इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सुबह के 1 घंटे में आप अपने आप से जुड़े, दिन की शुरुआत आंख बंद करके गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और उस सांस के लिए धन्यवाद का भाव। और बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, तो ये वो बातें हैं और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल आप रख के खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप महसूस कर सकते हैं। और आप खुद को योग का अगर आप पालन करेंगे, योग अगर आप करेंगे, योग क्रियाएं करेंगे, तो खुद को आप स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगाचार्य प्रतिष्ठा जी हमसे जुड़ने के लिए, और योगाचार्य हंसा जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ लगातार मौजूद थी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा, जो आपको फॉलो करके बता रही थी कैसे आपको जो योग करना है वो सही तरीके से करना है। पूर्णिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को योग क्रिया के जरिए आपने जो समझाया है। आपसे बना वजूद मेरा, आपसे मैं हूं, मैं आपका मुन्नू हूं अब्बू। ईद पर घर ना आ पाया, पर याद आई गले मिलने पर वो इत्र वाली खुशबू। इस शहर में मैं तन्हा नहीं हूं अब्बू, दुआ आपकी मेरे साथ है। जिस सर बाप का साया हो, उस जिंदगी की क्या बात है। बेशक मैं दूर हूं आपसे इस शहर में, पर आपसे जुदा नहीं। दुआ जो मांगी आपके लिए वो कबूल न हो, ऐसा मेरा खुदा नहीं। एक उम्र के बाद शायद माँ बाप बच्चे हो जाते हैं, फिर बेटा बाप और बाप बेटे कहलाते हैं। ऐसी किस्मत किस्मत वाले पाते हैं। मैं जो था, जो हूं या जो भी रहूंगा, लखते जिगर हैं आप मेरे, बस इतना ही कहूंगा। स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।